गेनिंग के चक्कर में पूरा फ्रिज हमने भर दिया वेजिटेबल और फ्रूट से। मैम थोड़ा सही से टेस्टी चाहिए। गाड़ी के लिए प्लॉट खरीदा आपने? गाड़ी खड़ी करने के लिए? डेंट तो मेरे मुंह से ही बढ़ा गया। दो एक। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और किचन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डाइट प्लान लगा चुके हैं हम यहाँ पे हमारी गेनिंग ऑफ सीजन के लिए। हमारा फेज 2 स्टार्ट हो चुका है और अभी हम प्री वर्कआउट मील बनाएंगे जो कि अभी रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। इसके लिए मास्टर शेफ है हमारे पास। साफ कर रहे हैं, बहुत गंदा है किचन। जो मील है प्री वर्कआउट मील पूरी चेंज हो चुकी है। इसमें हम लेने वाले हैं स्पैगेटी। और क्या बना रहे हो? स्पैगेटी और कीमा, रेड मीट। रेड मीट में हमने मटन स्टार्ट कर दिया जो कि कीमा वाला होता है और उसमें स्पैगेटी और उसमें बोल रहा है कि एक अंडा ऊपर से भी डाल देना, टेस्ट आ जाएगा। ऐसा कैसा खाना बनाना है जिसमें तुम्हारी राल टपकने लग जाए बल्क के टाइम पे? अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी ये बोला गया है जो कि हमसे हो नहीं पाता है। स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रही है अपूर्वा बनाना, फिर मैं बीच में कैरी ऑन करूंगा मटन से। हमारा ये वोल वीट का स्पैगेटी कहाँ कहाँ से निकालना पड़ रहा है। और कुछ तो नहीं है प्री वर्कआउट मील में, तो जो मिल जाए वही खा लो। तो बल्किंग में यही है कि इतना सारा खाना होता है तो वैरायटी ज़्यादा डालनी पड़ती है। फॉलो दिस रूटीन एवरी डे इवन और रेस्ट डे, इवन ऑन रेस्ट डे। माय गॉड सब्जियां काटते हो। तो गाइस गेनिंग के चक्कर में पूरा फ्रिज हमने भर दिया वेजिटेबल और फ्रूट से। सही से टेस्टी चाहिए। तो गाइस टेस्ट से याद आया, टेस्टी खाना खाने की कोशिश करो बल्क में, जिससे और मजा आएगा आपको बल्क करने में। और जितना टेस्टी बना सकते हो नॉर्मल ये थोड़ा पीछे डिस्ट्रक्शन आ रहा है। तो आज का वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ। आज राजकुमार भैया आने वाले गुरुजी वाले जिम में और हम तीनों भाई सेम वर्कआउट, देखते कैसा वर्कआउट होगा। तो थोड़ा किचन से बाहर आ जाते हैं। आज शोल्डर का वर्कआउट होने वाला है और भैया को हमने बैक पे करा था कॉन्टेक्ट, लेकिन बैक के टाइम पे भैया ने फोन बंद कर रखा था क्योंकि बोल रहे कि वो हफ्ते में 2 दिन फोन बंद करके रखते हैं। मेरे को लगता है मेरे को भी ये करना पड़ेगा पीस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग और ये सब हम तो इस चीज में घुसे ही नहीं है। मेरा फोन बंद करने से पीस और अभी मेरा करंट वेट चल रहा है, अभी हमें 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। नेचुरली बल्क कर रहे हम, मतलब कि अभी ऑफ है हम, कुछ नहीं, कोई स्टफ नहीं है। जितना नेचुरल कर सकते हैं उतना नेचुरल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं नेचुरल हूँ। और अभी हमने 6 किलो बढ़ा दिया है। स्टार्ट किया था हमने 84 से और करंट वेट हमारा हो रखा है 90, थैंक्स टू हर ऑब्वियसली। टेस्ट बनाने के लिए हमने कितने सारे मसाले पकड़ रखे हैं गाइस, ये सारे क्या है, हर्ब्स है। तो इस मील में कीमा डालना था लेकिन ये फ्रोजन है बिल्कुल और इसमें बहुत टाइम लगेगा और हमें जल्दी निकलना है, टाइम पे निकलना है। तो अभी चिकन को यूज कर लेते हैं जो आंटी बना के गई थी सुबह। आंटी तुम बनाए थे यार? मैंने बनाया था जो सुबह बनाया था यार। हाँ जी थैंक यू। ये चिकन ना आप ले डाल दें बस, हो गया बन गया। तो गाइस अब डालते हैं यूनिट, पता है मेरे को 180 ग्राम स्पैगेटी ज्यादा हो गया। अरे इसमें थोड़ा वो भी तो डाल रखा है, भुट्टा ये सब कुछ डाल रखा है। तो और चिकन लेंगे हम 120 ग्राम। तो दीदी ने चिकन बिल्कुल फायरी बना रखा है। ये अपूर्वा लेके आई है वाटर इनटेक पूरा करने के लिए, जो मेरे पे एक छोटा सा गिलास था उसका बड़ा भाई है ये पूरा। इसमें 5 से 6 लीटर आता है पानी, 6 लीटर पानी आता ना इसमें। लोग इसको वैसे मॉकटेल कॉकटेल के लिए यूज करते हैं, हम ये वाटर इनटेक कर रहे हैं, ये इसका छोटा भाई। तो गाइस ये रही हमारी प्री वर्कआउट मील, पूरी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी पनीर की सब्जी जो सुबह बनी है क्योंकि बल्क चल रहा है, तेज तो पूरा रखेंगे हम, घर के खाने से क्यों ना मिले। निकलने से पहले मिठाई, हमारा रिचुअल, लेयर्स के कपड़े ले जाना, देखते हैं भैया को आते नहीं आते। और दूसरी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोटीन और क्रिएटिन। तो ये दोनों हम फ्यूल वन का यूज कर रहे हैं और ये जो प्रोटीन यूज कर रहा हूँ मैं, ये वे मैक्स यूज कर रहा हूँ आज। और ये चॉकलेट फ्लेवर है, इसके एक स्कूप में आपको मिलता है 27 ग्राम प्रोटीन और इसमें BCAA भी मिल जाता है आपको 5.96 ग्राम। और इसके अंदर कोई अमीनो स्पाइकिंग नहीं है, ना कोई एडिड शुगर है इसके अंदर। एंड बेस्ट, ये आपको बजट फ्रेंडली मिल जाता है इस प्राइस में, यही आपको सबसे बेस्ट मिलेगा क्योंकि मैंने और भी पिए हैं, बट इस प्राइस में जो इस क्वालिटी आपको मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी। एंड इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ऐड कर रखे हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी इसको डाइजेस्ट करने में। और इसका फ्लेवर भी बहुत सही लगता है मेरे को, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, दोनों फ्लेवर यूज करके देखना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इजिली बाय कर सकते हो और कोड भी यूज कर सकते हो ABHI30 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इसके साथ चल रहा है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बेल्ट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि शोल्डर डे है, ऐसे ही निकलते। ये
मैं देख रहा पीछे से कौन बोल रहा है। मैंने भी चलाया था स्टार्टिंग में गेंद बचपन में, मजा दोबारा चला रहा, दोबारा 10 किलो बढ़ गया। उस टाइम पे तो बढ़ गया था 6 किलो। मैं तो रात में ले रहा था। खाओ खाओ खाओ, प्री वर्कआउट पी लिया तो आज शोल्डर पे होगा आपके। भैया का भी यही हाल है कि बाइसेप ट्राइसेप इतना बड़ा है, शोल्डर छोटा लगता है ना, यही हाल हमारा है। मेरे को भी हो गया 4-5 महीने। ये अभी लॉन्च होने वाला है, ये वाला जो पहना हुआ है मैंने, यही वाला ज्यादा टाइट तो नहीं है। आपको तो टाइट ही आएगा। ये वाला देखो, ये थोड़ा लूज आएगा। भैया का है कि लूज और मेरा टाइट टाइट। तो प्री वर्कआउट पी लिया भैया और मैंने, और शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। वैसे हम बैक के लिए बुलाने वाले थे भैया को, लेकिन बैक में भैया फोन स्विच ऑफ करके अपना पीस, मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा, पूरे दो दिन बंद, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग से दूर ही हूँ। थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है जब आप ईमानदारी से काम करते हो ना, तो भाई हो जाओगे। और वैसे अगर शेड्यूल बना के दे दिया, बात नहीं करी तो बात। और अभी कंपटीशन भी होने वाला, अभी खेल रहे हैं भैया जून वाला, बैक टू बैक चल रहा है। देख लो मेरा हैवी लाइट वाला, तो मेरे को ये लगता है कि जिसमें मजा आता है वो कर। किसी को हैवी में मजा आता है, किसी को लाइट में मजा आता है। पहले भैया बोलते थे कि पोजिंग सिखा दे मेंस फिजिक की, जब बॉडी बिल्डिंग में खेलते थे, मेरे को क्या पता था भैया प्रो कार्डिंग। मेरा गोल्ड आया था मतलब अपनी कैटेगरी में, फिर ओवरऑल में साथ में थे हम। जीजू जो ना तुम थे ना मेरे का, तो इस दोनों में से एक का प्रो कार्ड आया था, इसको देखते हैं जीजू जोन को देखते। मैं कह रहा हूँ आपका भी और अच्छा होता, अभी आपने वो चैनल अपने दोस्तों को नहीं देते तो आप वो चैनल उड़ा दिया था जो आपका। कोई बात ना, आगे बढ़ जा, दूसरा बना ले। दूसरा बनाया वो चलाया नहीं, पहले जब मेरा चैनल था भी नहीं यूट्यूब में, जब भैया का चैनल था। गुरुजी वो दे देते हैं, लेकिन आपने बोला कि चल छोड़ रहे बच्चे, दूसरा चला ले। कौन सा अलाइनमेंट? तो पहले भी ये वार्म अप करते हैं, अलाइनमेंट करते, मैं भी देख लेता हूँ करके। रियल डेल्ट वीक है, पूरा वीक है। हाँ दोनों नंबर लेके हाँ, रोज पहले ना तीन सेट स्टार्टिंग में एक्टिव करने के लिए, अभी करते हैं। देखिए समझ गया, मैं पहले एक्टिव करने के लिए कह रहा हूँ ना। यही होगा, बार बार कम कम आओगे तो ये बार में। अच्छा सिर्फ शोल्डर पे है, कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो रेडी हो लो पहले, कॉलर के ऊपर ऐसे होगा, ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे इतना चुप कर है, ये लेके आना है, वेट कम करना पड़ेगा। हाँ वेट कम बताया था ना, जैसे ऐसे करके नॉर्मल साइड में। हाँ ऊपर लेने की कोशिश करो, इसको भी हल्का था, इसको हल्का था, इसको भी उठाएंगे ये। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके ये भर गया ये तो। आएंगे
थोड़ा सा उठाओ और सिक्स ये हाँ ये है ना अभी पता नहीं चल रहा फुल स्लीव में फट रहा है बट ये हाँ मैं तभी तो नहीं पहनता अभी निकालता हूँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सही से लगा ही नहीं रहे यहाँ लाना है ना इसको यही आ रहा है आप भी उतार दो फिर मैं वापस पहन लूंगा ये लॉक हो गया कॉलर देखना आप कुछ दिखेगा दिख रहा है ना अब इसे स्लो लेके आना इसको घूमने दो हाँ इसको घूमने दो ऐसे ये अब लगा हाँ वन अब आ रहा पूरा टू थ्री ऊपर ऊपर की तरफ एट थर्टीन फोर्टीन हाँ फिफ्टीन स्क्वीज लास्ट पांच तरफ चीट मार दे वन चीट मार दे कोई नहीं टू जैसे तरह देख रहे थ्री लास्ट फोर पेन पूरे शोल्डर पे अभी दूसरी सेट ही है एक्सरसाइज भी नहीं है दूसरी हाथों कैसे रख ले खाली वहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई ट्राई से व्राई से कुछ भी यूज ना कोई ट्रैप्स यूज ना हो चलो भैया पियो फुल हाई वॉल्यूम वर्कआउट चल रहा है पर्टिकुलर मसल पे टारगेट करके करा रहे हैं भैया जो कि बिल्कुल नया है हमारे लिए ये प्लेट आपने सेट करी है क्या पता नहीं क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हो आप इसको पकड़ना है यहाँ से और ना वेट है ना लॉक नहीं होगा कहीं पे भी ना यहाँ लॉक होगा ना ऊपर लॉक ये लाना है जब आप लॉक करोगे तो रोटेटर पे आएगा नॉर्मल ऐसे ले जाओगे ना शोल्डर से उठेगा इससे बिल्कुल नहीं आएगा लगाना आप स्टार्ट करो दो एक शीशे पे लग के फिर शीशा नहीं टूटा कितने रैप लगाने थे फेलियर है फेलियर ठीक है आप बताओ कैसे प्रेयर करेंगे बस नेचुरल चल रहा हूँ भी मैं विदाउट एनीथिंग हार्मोन इसका मतलब मैं नेचुरल थोड़ी हूँ फिर भी यही है ना ये ऐसे सब लेके दूर ज्यादा हो गया ये थोड़ा बट ये थोड़ा देख के करने वाला है कराने पड़ेगा बिगनर कई लोग लगाए और रोटेटर कप में पेन आ जाए
तो आपको पता ही नहीं था 2.5 किलो का फील आने से मतलब है। देखो इस बार थोड़ा ज्यादा पंप आया 2.5 से, दिखा दो कब तक छुपाओगे। एक और प्लेट हो जाए, मेरा तो हो गया, तो मैं लास्ट में एक और लगा लेता हूँ। अब इस साइड 3 लूँ, 3 तो लगी नहीं, उस साइड 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। केले चल रहे हैं, ये गलती कहीं मत करना भाई, मेरे को भूख लग रही है बस। मैं इसका ग्राइंड नहीं, मैं तो खाता था स्क्वाट में बीच बीच में। एनर्जी तो इसकी जब मिलेगी जब तक हम वर्कआउट हो जाएगा। 12 बजे उठते मैं, एक बजे जिम आता हूं। भैया को पता है बाद में जान खा लेगा। देसी स्टेप पर चलेगा, देसी इतने तगड़े लोग आते हैं, ये कर करके आधा कर दिया इसे। क्या लगाना है तो पता ही नहीं, करना क्या है। 20 10 10 50 रुपए 20 10 10। चौमिन बना दिया सेट का, पहले ये फिर रियर फ्लाई, फिर साइड, फिर स्क्वीज। मैं 10 सोच रहा हूँ, 12:30। कभी कभी वो है इसमें चारों खाने चित। मैं गुरुजी 6x6 करता हूँ, रियर ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रंट पास नहीं, क्योंकि फ्रंट पे पेन आ जाता है ना, तो मैं इसमें ज़्यादा ट्रेन नहीं करता। डेड तो मेरे मुंह से ही बड़ा कर इतना बड़ा। अब आपसे अच्छा कोई कर सकता है, हम तो आपकी चेले हैं। बिना डंबल उठाए खींच रहा है रियल डेड। बॉडी ना यूज हो चुकी है इनका। हिल गया सिस्टम, हिल गया। दिख रहा है इधर, क्या अलग से दिख रहा है पूरा। मैं कह रहा रियल डेड दिखाओ, निकाल ही दी। छोटा तो मेरा भी नहीं हो रहा भाई। पहले तो ट्राइसेप मेरा शोल्डर से बाहर था, थोड़ा सा बराबर हो गया। देखो ये देखो मेरा, देख लो बाहर। हाँ गुरु जी, हमारे डोले नहीं कम, 19-20 का ही फर्क है। हाँ हाँ गुरु जी, तगड़ा बहुत ही। इतनी इतनी हड्डी मेरी चौड़ी हो ना गुरु जी, स्टेज पे क्या हो जाता है अपने आप को कम मान लेने का, स्टेज जाने जाता है। बहुत बड़ा है भाई, गुरु जी हमें झूठ थोड़ी बोलेंगे। फ्रंट का दिक्कत नहीं है, आप बैक दिखाओ, बैक की ट्रेनिंग हम दोनों करेंगे भाई। क्योंकि बैक कम थी तो गुरु जी ने मेरी बैक तगड़ी करा दी। गुरु जी ये जो लोअर ट्रस्ट है ना, और अपर दो मिडिल और लोअर ट्रस्ट पे काम करना, मिडिल बैक थोड़ी और ठीक होगी ये वाला। हाँ ये लोअर लोअर था एक बार हमारे को ना, ये लोअर ट्रस्ट मेरे पास क्या है पहले ये बताओ। हमारे पास है ना सिर्फ और सिर्फ फ्रंट और मिडिल डेल्ट, ठीक है। लोअर बैक विद हमारी पूरी है, लेकिन क्या है हमारी डेंसिटी नहीं, लोअर बैक थोड़ा ही है, डेंसिटी नहीं है। बार में पहले एक दो खेल के रख, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा स्टेज का। आ जाऊंगा यही कर लेंगे ट्रेनिंग, ठीक बिल्कुल भी बोल रहे हैं भैया, फिर फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे। ये आजकल चल रहे हैं, आवाज आ गई, आवाज आ गई कट कट। भाई ओपन साइज भी बना दे यार, दो चार मिनट की। ये एक्सेल भी है इसमें, मैं अभी पिछली बार मीडियम पहनाया था, कैसा है? अच्छा लग रहा है, लोग डर जाएंगे ऐसे नहीं, मैं वो क्या कहते हैं उसकी तरह, अरे एक होता नहीं है वो उड़ता है यार, सुपरमैन। फिर से साइज छोटा रह गया भैया के लिए, डबल एक्सेल अगली बार। और सब तो सही आ रहा है वैसे, लोग ऐसे इतना टाइट पहनते हैं। दूसरा आइटम का है भाई, बल्क का क्रिएटिन।
भाई बता रहा है ऐसी पहनते हो। हाँ कोई नहीं, डबल एक्सएल भी है इसमें। गाइस वर्कआउट हो चुका है, निकलने का टाइम हो चुका है। भाई प्लेयर दूसरी बार ठीक है, तो भाई का अपना ब्रांड है अभिषेक का, वो पता ही है। बाकी भाई इसके सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर है मेरा ही, तो खैर क्या ही मानेंगे। फ्लेक्स करते रहते हैं हर दो मिनट में। तो जाओ भाई फटाफट भाई की वेबसाइट के ऊपर मैं लिंक डाल देता हूँ, जाके परचेज करो, सपोर्ट करो अभिषेक को। थैंक यू, और बड़ी बनाओ ब्रांड भाई की इंडिया में। कार ले रहे हैं भैया, अभी बाइक भी लाऊंगा मैं, बाइक भी, बाइक मतलब भैया कहीं कुछ हो जाए इसलिए बाइक थोड़ा सेफ नहीं है। गाड़ी के लिए प्लॉट खरीदा, गाड़ी खड़ी करने के लिए जो मेरी हैरियर है ना, पहले मैंने 100 गज का वो लिया है प्लॉट। पहले भाई प्लॉट खरीदो फिर गाड़ी खरीदो। भाई ये बाइक की जैगवार मेरे को लगा था छोटी है, तो बहुत ही बड़ी एसयूवी है ना। हां एसयूवी भी है। आओ अंदर आओ भाई। हां जैसे आपने प्लॉट खरीदा, मैंने सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा गाड़ी खड़ी करने के लिए। बढ़िया लगी यार, मैं तो मन कर रहा है चलाने का, लेकिन फिर आपका दिल्ली वाला इसी में चलेंगे खेलने। गाना बनाया तुमने? गाना गाने वाने का तो पता नहीं भाई, मैं गाना तभी बनाऊंगा जब मैं खुद गाऊंगा। बाकी भाई अभिषेक की गाड़ी बहुत प्यारी है। थैंक यू भैया, मुस्तैंग का वेट कर रहे हैं। मेहनत करी है, सबसे महंगा इन्फ्लुएंसर इंडिया के अंदर। अभिषेक थोड़ा ज्यादा ग्रो कर गया, मैं थोड़ा नहीं भैया, आप अलग तरीके से ग्रो कर रहे हो। मेरे को सब कुछ देखना पड़ता है ना, फैमिली मैट वाली है। मैंने नहीं ठोके बंदे, दो दरवाजे उधर के उड़ा दिए, फिर वहाँ पीपीएफ कराई, फिर वहाँ उड़ा दिए, फिर वहाँ पीपीएफ कराई। ग्लॉस वाली कराई होगी आपने पीपीएफ, ये मैट वाली कराई है मैंने। ठीक है भैया, चलो भाई टेक केयर। तो गाइस बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहाँ पे गाड़ी वाड़ी हटाओ निकालने के लिए।